यो व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। मुझे इस गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया है आजकल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रो बन चुका हूँ इसमें। आज का गेम प्ले भले ही बड़ा है, लेकिन बहुत भयानक गेम प्ले है। मैंने पहले सोचा कि मैं मल्टीप्लेयर खेलूँगा, लेकिन कुछ अपडेट आ गया मल्टीप्लेयर का, इसलिए मैंने उस मल्टीप्लेयर को लीव किया और फिर मैं बैटल रॉयल खेल रहा था। आज का गेम प्ले देख लो भाई, ये देखो यही अपडेट आ गया था। तो छोड़ो, अपडेट को हटाओ हटाओ, कट करो, हटाओ, बैक करो। तो अब हम लोग बैटल रॉयल खेलेंगे। हम लोग फर्स्ट मैप जो है कॉल ऑफ ड्यूटी का, इसका नाम मुझे याद नहीं, सॉरी अभी। तो इसमें हम लोग सोलो खेलेंगे, सब लोग इसमें सोलो रहेंगे, मतलब एक ही बंदा, कोई स्क्वाड या फिर दो आदमी नहीं, सब लोग अकेले अकेले उतरेंगे। तो हमारा मैच स्टार्ट हो रहा है, बस हो गया, ये हमारा मैच स्टार्ट हो गया। बस 3 2 1 स्टार्ट हो जाओ भाई। कितना टाइम लोगे? हो रहा है स्टार्ट, कुछ देर रुक जाइए। और आज मैं लोगों का स्काउट वाला डांट मार के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो पहले नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, डांट वाला नहीं, अभी हम लोगों ने लिया है ये रोबोट वाला। इससे होगा कि मतलब इससे जहाँ पे भी हम फेंकेंगे ना, उससे ज़ॉम्बी निकलेंगे और प्लेयर्स उसको मारने में मतलब बिजी हो जाएंगे और हम लोगों ने मार सकते हैं। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ गेम स्टार्ट होने के बाद, अभी हम लोग लॉबी में। ओके, एक मिनट के बाद। तो बस हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है, 3 2 1। अब हमारा प्लेन पे हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोग प्लेन पे पहुँच चुके हैं, ये हमारा टेक ऑफ कर चुका है। और बैकग्राउंड नॉइज़ को मैं हमेशा की तरह कह रहा हूँ, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। तो अब हम लोग छलांग लगाएंगे कुछ ही देर में। अभी देखो, मैं अभी सोच रहा था कि देखो अभी कूदता हूँ। आज हुआ बहुत बढ़िया, मुझे गन, मैंने सोचा था M4 मिल जाएगी तो मज़ा आएगा, लेकिन मुझे अफसोस है M4 नहीं मिली। इसके बाद मैंने एक मैच बिना रिकॉर्डिंग के साथ खेला, उसमें मुझे 3-3 M4 मिल गई, क्या बताऊँ, लेकिन उसमें हार गया था मैं। ये बहुत बढ़िया मैच गया है। देखो मैं क्रैश पे उतरा हूँ, अभी उतर रहा हूँ। देखो कैसे अभी गायब होता है इसका सारा वर्ड्स, देखा? ये मैंने सोचा मैं ऊपर उतर जाऊँगा, लेकिन नहीं उतर पाया। चलो अंदर चलते हैं। ये मैंने पहले ये एक स्कोप उठा लिया कि कोई भी गन मिले कि उसे यूज़ करूँगा, वेस्ट था, वो भी उठा लिया। और इसमें बहुत सारे जैसे स्लाइडिंग मोड्स, क्रिएट क्या क्या मोड्स लिखे रहते हैं नीचे में, गोल्स क्लस्टर बॉम्ब की तरह, तो उनका क्या यूज़ होता है अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे गन मिल गई है रस्क नहीं सॉरी IUS रस। तो अब चलते हैं, हम लोग चलते हैं भाई। अभी देखो बंदे कैसे मिलते हैं, मेरे उसमें पूरे 10 किल्स निकल गए थे। देखो मैं इससे भी मैंने स्कोप उठा लिया, फिर मैंने स्कोप अभी लगाया। देखो दो स्कोप मैंने ले लिया, रेड डॉटेड स्कोप। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी बंदे को खोजने के बाद। मैं बहुत देर से, पिछले 20 मिनट से ऐसे ही घूम रहा था, कोई तो मिल गया। पूरे मैप में मैं 20 मिनट से चक्कर काट रहा था, लेकिन यहीं पर से मेरे फायर आया, ये बंदा दिख गया मुझे। मैं देखो मैंने गन अंदर रखी थी, ये बंदा मेरा हेल्थ बिल्कुल कम है, और देखो फिर भी मैंने इसे मार दिया। मैंने जल्दी से, इसके पास मेड किट थी, हेल्थ किट, जल्दी से मैंने हेल्थ, अभी देखना हील करता हूँ मैं जल्दी से जाकर। जल्दी से मैं फेंस के पीछे जा ही रहा था, हेल्थ हील कर रहा था कि उधर से कोई आने लग गया, मुझे फुल फुट स्टेप आ रहे। मैंने इसे भी मारा, इसने बॉम्ब फेंक दिया, मैं जल्दी भाग उठी, उठना भूल गया उसके बाद, लेकिन कुछ हेल्थ नहीं गई मेरी, मेरे 2 किल्स यहाँ पर निकल गए। फिर आप देखो यहाँ पर मेरे 2 किल्स आराम से निकल गया, कुछ दिक्कत नहीं हुई। बड़े बेवकूफ़ बंदे थे ये दोनों, इतना बढ़िया मेरा जा रहा था, मैं मर ही गया था मैं, फिर भी पता नहीं कैसे मैंने उसे मार दिया, मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे उसे मार दिया। चलो अब देखते हैं अब कहाँ मिलता है बंदा। Mm-hmm.
तो मैं जा ही रहा था अपनी बाइक लेके कि उधर से किसी का शॉट आया सामने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं नीचे आकर जल्दी से हील करने का सोचा, तो मैंने जल्दी से हील किया, तो देखो अब क्या हो रहा है, ये क्या होता है। मैं जल्दी जल्दी हील करने के चक्कर में था, बड़े धीरे धीरे हील होता है। अब देखो उस बंदे को कितने भयानक तरीके से मारता हूँ। ये बंदा मुझे मारा कहाँ से मुझे यही नहीं पता चला पहले, फिर देखो क्या होता है, पहले नहीं पता चला मुझे, एक्चुअली पता ही नहीं चला मैंने किसने मुझे मारा। ओके मुझे शॉट उधर से आया, तो मैंने पूरे में देखा कहीं कोई नहीं मिला, आखिर में भी मुझे कोई मिला नहीं। फिर देख अभी वहाँ पर से एक बंदा जा रहा था टैंक के पीछे से, तो अभी देखो मैं उसे कैसे मारता हूँ। मैंने गन को अंदर रख ली, मैंने अपना स्मोक ग्रेनेड फेंका, और फिर देखो शुरू में तो मुझे लगा गया बंदा अब नहीं मिलेगा, एकदम गायब सा हो गया। फिर मैंने सोचा नहीं पहले पूरे में देखूंगा मैं, फिर मैंने एक दो शॉट बजाए कि मतलब वो शॉट सुन के वो निकलेगा मुझे मारने, लेकिन आखिर तक वो बंदा नहीं निकला। फिर देखो कितने मुश्किल से वो निकलता है, और यहीं पर मेरे किल्स निकल जाते हैं अच्छे खासे। देखो एक बंदा यहाँ से आया, ये वही है मेरे साथ, तो यहाँ पे मेरे एक और किल निकल गया, 3 किल हो गए मेरे। ओके नोवा गैस थी इसके पास, मैंने उठा ली, चॉपर हुई थी, फिर से मैंने हील किया, हेल्थ किट तो मुझे अनलिमिटेड पूरे 12 के 12 मिल गई थी। अब यहाँ पर देखो एक अनोखा बंदा आएगा कुछ ही देर में, देखो वो अभी टैंक ब्लू टैंक के पीछे गया दौड़ते हुए। ओके इसे लग गया, ये दूसरा बंदा था, पहला बंदा तो चला गया, अब ये पीछे से फायर कर रहा है बिना मतलब का, बिना किसी रीज़न, जैसे कि मैं पीछे खड़ा हूँ। ओके फिर देखो उधर कर रहा था फायर, मैंने इसे मारा, फिर मुझे लगता है ये दूसरे वाले बंदे पे फायर कर रहा होगा, लेकिन वो बंदा मुझे दिखाई नहीं जिसे मैंने पहले ऑब्जर्व किया था जाते हुए, वो शायद कहीं निकल गया। फिर अब देखो अब क्या होता है, मुझे अब बहुत मज़ा आया इस मैच में, स्कोप भी बढ़िया था इस गन का। हाँ ये देखो ये निकला पीछे से, अब इसे मैंने मार दिया, मेरे और किल हो गए। ओके ये है, अब चलो फिर से मैंने हील किया, अब देखो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि मतलब ग्राफिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये पता नहीं मेरे कंप्यूटर में क्या हो जाता है, मतलब मैं कंप्यूटर में डाल के रिकॉर्ड करता हूँ ना, पूरे का पूरा ग्राफिक्स का धज्जी उड़ गया इस बार, लेकिन मैंने मैच जीत गया इसलिए मैंने ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस वीडियो को पोस्ट करना है। ओके तो मैंने बाइक उठाई और निकल पड़ा अपनी यात्रा पे। तो मैं यात्रा पे जा ही रहा था कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि पहले तो जोन के अंदर भागते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे आते हैं, तो मैं इस खोज पे निकल गया और फिर देखो कहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदे आते हैं। तो कुछ देर में फिर से मिलता हूँ मैं। अब मैं जोन के अंदर आ चुका था, तो मुझे लगा अब बाइक पे घूमने का तो समय नहीं है, जोन बहुत छोटा हो चुका है, तो अब उतरो और अब देखो कहाँ से कौन क्या है। फिर मैं उतर गया, जोन बहुत छोटा हो चुका था, और मैक्सिमम लोग जिन्हें दिमाग होता है कॉल ऑफ ड्यूटी में वो लोग, देखो एक और बंदा आया इसे मैंने मार दिया, इसलिए तो बड़े बुड़बक था, बड़े आराम से मर गया, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा चली गई थी, मैं मरने के कगार पे था। तो जिसे मैं कह रहा था जिसे कॉल ऑफ ड्यूटी में दिमाग होता है जो कि प्रो होता है वो जोन के अंदर ही आके रहता है, ना तो मरना पक्का है। तो मैं जोन के अंदर पहले आ गया, फिर अब देखो अब क्या क्या होता है। अब एक बंदा टैंक लेके आएगा, कुछ देर रुक जाओ ना बस। देखो मैं जा ही रहा था बड़े आराम से कि अब कोई दिखेगा मारूंगा उसे बिल्कुल हिला के। अब देखो एक बंदा मुझे दिखने वाला था लेकिन मुझे दिखा ही नहीं। देखो मैंने एक बॉम्ब फोड़ दिया वहाँ पर कि जो भी होगा, तो ये हेवी बॉम्ब था, तो क्लच मुझे याद नहीं दिखा नहीं कौन सा ग्रेनेड था, मैं नाम भूल गया था। तो ये बहुत हेवी धमाका करता है, तो अब देखो
अब तुम लोग बस मेरे मैप को ऑब्जर्व करते रहना। ऊपर से प्लेन जा रहा है, ओके, बस मैप को ऑब्जर्व करना। देखो टैंक, टैंक आ रहा है। मैं खोजने लग गया किधर है टैंक, किधर है टैंक। तो फिर मैं आगे बढ़ा, देखो मैं देखना, आप देखो मेरे जस्ट आगे से टैंक जाएगा। बेवकूफ़ ने मुझे देखा कैसे, नहीं मुझे नहीं। लेकिन पानी में जाने के बाद तो टैंक, देखो वो रहा टैंक। मैंने उस पर गोली चलाई और जल्दी से कवर में मैच आ गया। ऐसे ही दो चार बार किया तो फिर अभी देखो मेरे पीछे से शॉट आने लगेंगे, पीछे से मुझे कोई मारेगा अभी। वो बंदा चढ़ रहा था अपने टैंक को लेके, जोन के बाहर जा रहा था बेवकूफ़ आदमी। और ये देखो इसे मैंने मारा, मर गया ये, एक किल निकल गया। अब देखो उसने वहीं पर एकदम सामने मेरे शॉट मारा, तो मैं जल्दी से आ गई। यहाँ पर इतने भयानक किल निकलते हैं ना, और वो टैंक वाले की वजह से मेरे बहुत बढ़िया किल निकल गए थे। अभी देखना लास्ट में क्या होता है। हाँ बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब देखो ये मैंने मारा, मुझे लगा ये उतरेगा देखेगा, वो टैंक में तो कोई स्कोप ये सब होता नहीं। लेकिन वो बड़ा ज़िद्दी बनता था, वो जान रहा था कि मरना है। उसे लगा होगा कि उसके पास स्नाइपर होगी, नीचे से मार दिया। मैं लेट गया था कि दिख नहीं रहा था। अब देखो मेरे सामने से वो चला गया, और एक यहाँ पर रिकनेक्टिंग होने लगा मेरा गेम। तो कुछ देर के बाद मिलता हूँ मैं कनेक्ट करने के बाद। तो दो या तीन बार करने के बाद मेरा गेम कनेक्ट हो गया। फिर मैं ऐसे ही क्रॉल करते हुए जा रहा था आगे, फिर मुझे कोई दिखा, वो बंदा टैंक लेकर पानी में कूद गया। तो अब तो उसे उतरना ही था, तो अब देखो मैं उसे कैसे मारता हूँ। वो उतरा, मैंने उसे कुछ शॉट मारे, ओके, तो फिर कुछ नहीं हुआ। वो शायद स्काउट वाली स्किल लेके घूम रहा था, इसलिए वहाँ पर रेड हो रहा है, ओके। तो इसे मैं डायरेक्ट नहीं मार पाया है, कोई अच्छा स्कोप आया था फॉरेस्ट स्कोप तो मैं मार देता। फिर भी अब देखो क्या होता है। अब तुम लोग सिर्फ अलाइव पे देखो और मेरे किल्स पे ध्यान देना। पीछे से एक बंदा कर रहा था बदमाशी, तो अब देखो इसे कैसे मारता हूँ। मैंने मार दिया है, इसमें ग्रेनेड आगे नहीं गया, नोवा गैस था ये आगे नहीं गया। अब दोनों तरफ से बंदे आए, मैं क्या करता। मैंने उस पर मार ही रहा था कि पीछे से देखो क्या होता है, पीछे से किले मारने लगे। अब मैंने अपने गन अंदर घुसा दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं हील करने लगा तो उतने देर में वो मेरे पास आ गया। मैंने जल्दी से कैंसिल किया और मैंने अपने निकाल के जल्दी जल्दी मार दिया बिना स्कोप खोले भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने जल्दी से हील किया। अब देखो क्या करता हूँ, मैं हील कर दिया। अब देखो मैं बैठ कर जा रहा था, देखो मैं सोचा उधर बंदे होंगे, चलो उधर आराम से। इधर में है, मुझे लगा पक्का इधर ही है क्योंकि टैंक वाला उतरा था, लेकिन इधर मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कोई बॉम्ब फोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं फोड़ा क्योंकि अभी मैंने दो बंदे देखे थे यहाँ पर। देखो वहाँ से शॉट आने लगे मुझे, मैंने उधर कुछ शॉट मारे। अब मैं मरने वाला था, जल्दी से मैं लेट गया, प्रॉन करके जल्दी से हील किया। मैं भी प्रो बन रहा हूँ भाई, प्रॉन करना आ गया है। और जिन्हें नहीं पता प्रॉन कैसे करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में, तो बैठने वाले बटन को कुछ देर तक प्रेस करके रखो, या डबल टैप करोगे तो तुम प्रॉन कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। देखो मैंने इसे बहुत गोली मारी तो एक ये किल निकल गया। अब देखो विनर, क्योंकि उसने उस बंदे को मार दिया और फिर मैंने इसे मार दिया, हो गया मैं विनर। कैसा लगा आज का गेम प्ले वीडियो? गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड अपने हाल चाल बता दो। और ये देख लो सबसे ज़रूरी चीज़, देखो पैराशूट से उतरा मैं, ये देख लो इसमें क्या बोलूँगा मैं, पढ़ लो। किल्ड एन एनिमी, फिर से किल, ऐसे करके लास्ट में मैंने मारा यहाँ पर 8-7 किल्स यहाँ पे हो गए, 9 किल, और बाकी गए यहाँ निकले। और आई एम द विनर ऑफ द मैच। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.